Hello dear students, welcome back to Inter Biology classes. Today we will discuss the ultra structure of chromosomes. सबसे पहले ultra structure of chromosome को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, फोल्डिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है। क्या होता है कि इसमें हम थ्री लेवल्स पढ़ाते हैं। एक जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है वो न्यूक्लियोसोम लेवल है। उसके बाद जैसे जैसे डीएनए की फोल्डिंग होगी तो एक क्रोमेटिन फाइबर बनेगा और वो मजीद सुपर क्वाइलिंग में जाएगा और सुपर क्वाइलिंग के बाद वो कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनाएगा। तो सिंपलेस्ट स्टेज न्यूक्लियोसोम स्टेज, उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर स्टेज और फाइनली कंडेंस्ड क्रोमोसोम स्टेज। जब क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेस कंडेंस्ड होते हैं, इंटरफेज में होते हैं, उनको हम क्रोमेटिन नेटवर्क पढ़ाते हैं, और जब वो प्रोफेज के बाद मेटाफेज में ज्यादा आते हैं तो उसमें वो फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो ये आज का फोकस होना चाहिए आपका। लेट्स स्टार्ट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। ह्यूमन क्रोमोसोम इज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, it is made up of chromatin. As you know, the chromatin is DNA histone complex, made up of DNA and histone proteins. So there are two parts of chromatin. One is the DNA, other is histone protein. Chromatin is DNA histone complex. उसमें DNA और histone protein पाए जाते हैं। Now what is DNA? As you know, deoxyribonucleic acid. DNA is the molecule that holds genetic information of an organism. DNA is the molecule that holds the genetic information of an organism. Then what are histone proteins? Histone proteins किसको कहते हैं? What are histone proteins? Now this is definition of histones. Histones are alkaline proteins. Their function is to package DNA into structural units called nucleosome. स्टोन बेसिक प्रोटीन है, अल्कलाइन प्रोटीन है, बेसिक पीएच पे वर्क करते हैं और उनका फंक्शन ये है कि वो डीएनए को एक स्ट्रक्चरल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं न्यूक्लियोसोम्स। नाउ दिस इज डायग्राम शोइंग क्रोमेटिन। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए इन न्यूक्लियस। ये पूरे का पूरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है। ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब ये हम क्रोमेटिन की ये पिक्चर को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं, तो ऐसा लगता है एक बाउल है और उसमें काफी सारी सवैयां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, वो एक लेस ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नजर आ रही है। तो जो डीएनए जब अनवाउंड होता है, लेस फोल्डेड होता है, तो इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूं, इंटरफेस में ये डीएनए लेस फोल्डेड होता है, लेस क्वाइल्ड होता है, अनवाउंड होता है। इस पूरी कलेक्शन को हम पढ़ाते हैं क्रोमेटिन। व्हाट इज क्रोमेटिन? द अनवाउंड डीएनए दैट इज फाउंड इन द इंटरफेस एंड मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए इन न्यूक्लियस। अब क्या है कि ये अनवाउंड है, लेस फोल्डेड है, मोर ऑर लेस के खुला हुआ है, तो ये इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेस में डीएनए का मॉलिक्यूल लेस कंडेंस्ड होता है, लेस पैकेज्ड होता है, अनवाउंड होता है, उसको हम पढ़ाते हैं क्रोमेटिन। अब ये ऑर्गेनाइज होगा 46 पीसेस में, ये डीएनए ऑर्गेनाइज होगा, उन 46 पीसेस को हम पढ़ाते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ दिस डीएनए, अनवाउंड डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 46 पीसेस इन ह्यूमन सेल्स कॉल्ड क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोटिक फेज। तो जैसे ही सेल साइकिल आगे बढ़ेगी और सेल मूव करेगा इंटरफेज से प्रोफेज में, उसके बाद मेटाफेज में, जिसको माइटोटिक फेज के फेजेस पढ़ाते हैं, तो वो पैकेज होगा, फोल्ड होगा, मजीद उसमें फोल्डिंग होगी और वो एक कंडेंस्ड क्रोमोसोम का फॉर्म अज्यूम करेगा। Now, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम में कैसे चेंज होता है? बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पाइरलाइजेशन।
क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में चेंज होता है स्पाइरलाइजेशन से, मींस फोल्डिंग, क्वाइलिंग, और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइलिंग करता है तो हम उस प्रोसेस को पढ़ाते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए फोल्ड होगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और इसको हम पढ़ाते हैं डीएनए पैकेजिंग। अब देखें डीएनए पैकेजिंग, ये आपको कोर हिस्टोन नजर आ रहे हैं, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन 2A का पेयर, हिस्टोन 2B का पेयर, हिस्टोन 3 का पेयर और हिस्टोन 4 का। उसके ऊपर देखें आप डीएनए टर्न्स कॉइल्स बना रहा है। टू टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये आपको एक न्यूक्लियोसोम नजर आएगा, ये आपको दूसरा न्यूक्लियोसोम नजर आएगा, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम नजर आएगा और जो बीच में आपको डीएनए नजर आ रहा है ये लिंकर डीएनए। अच्छा अब देखें ये पैकेजिंग हो रही है, जो फोल्डिंग हो रही है ये चार्जेस के बेसिस पे हो रही है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सी हिस्टोन ग्रुप, ये आपको हिस्टोन ग्रुप नजर आया, इस पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और उसके ऊपर डीएनए के कॉइल्स नजर आ रहे हैं, टर्न्स नजर आ रहे हैं, इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। नाउ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्जेस हैं एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव चार्जेस क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप्स कैरी नेगेटिव चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज, व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स, फॉस्फेट ग्रुप कैरी नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखें हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्जेस क्यों है? हिस्टोन के टेल में अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइसाइन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नाउ हिस्टोन, व्हाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड? हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसाइन अमाइनो एसिड्स। हिस्टोन के टेल में लाइसाइन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्ज the DNA is negatively charged and histones are positively charged, so the histone proteins tightly bound to the DNA segments, nucleosome banate hain. Now DNA packaging, what is DNA packaging? The process by which DNA is wrapped around special protein molecules called nucleosome. DNA packaging us process ko कहते हैं जिसमें डीएनए पैकेज होता है, क्वाइल होता है, स्पाइरलाइजेशन में आता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाता है न्यूक्लियोसोम। तो पर्पस क्या है, ये डीएनए पैकेजिंग क्यों हो रही है? क्या है कि डीएनए बहुत ज्यादा एक्सिस अमाउंट में होता है और जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो छोटा होता है, ये इस वजह से हो रहा है ताकि डीएनए न्यूक्लियस में फिट हो सके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए पैकेजिंग, व्हाट इज purpose of DNA packaging? And the answer is to fit excessive DNA within a limited space. DNA excessive है और nucleus का space limited है, उसके लिए उसको folding में जाना पड़ेगा, packaging में जाना पड़ेगा ताकि वो उसमें fit हो सके। अब देखें a human cell, जो human का diploid cell कह रहे हैं, उसके nucleus में जो DNA होता है वो round about 2 meters का होता है। If we stretch DNA end to end, it will be about 2 meters. अगर हम feet की बात करें तो it will be in 7 feet. अब यह तो काफी excessive DNA हो गया, large DNA हो गया। अब देखें nucleus का diameter कितना है? What is the diameter of nucleus? Nucleus has diameter of only 6 micrometers, 6 micron. DNA 7 feet तक लार्ज एक्सेसिव डीएनए और न्यूक्लियस में लिमिटेड स्पेस है 6 माइक्रॉन्स, तो उसकी वजह से डीएनए पैकेजिंग होगी, स्पाइरलाइजेशन होगी, फोल्डिंग होगी। अच्छा तो अब आपको वो फोल्डिंग कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। यहां पे आपको एक न्यूक्लियोसोम नजर आ रहा है, यहां पे आपको दूसरा न्यूक्लियोसोम नजर आ रहा है और जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए।
इसको लिंकर डीएनए इस वजह से कहते हैं, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ ये लिंक करता है। अब देखें ये एक न्यूक्लियोसोम नजर आ रहा है, दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, टू टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड एट हिस्टोन, यहां पे आपको एट हिस्टोन नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर डीएनए के दो टर्न्स नजर आ रहे हैं, इसको हम पढ़ाते हैं न्यूक्लियोसोम, एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोसोम, यह आपको दूसरा न्यूक्लियोसोम नजर आ रहा है। What is nucleosome? Two turns of DNA around eight histones. This is definition of nucleosome. Two turns of DNA around eight histone proteins is called nucleosome. अच्छा, अब आ जाएं linker DNA पे. What is linker DNA? DNA in between two nucleosome is called linker DNA. The DNA between two nucleosome is called linker DNA. अब देखें कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसमें जो आपको आठ प्रोटीन नजर आ रहे हैं, चार पेयर हैं, ये कोर प्रोटीन्स, हिस्टोन के का मेन मास बनाते हैं कोर प्रोटीन्स, कोर हिस्टोन्स आर हिस्टोन टू ए, हिस्टोन टू बी, हिस्टोन थ्री एंड हिस्टोन फोर, चार पेयर होते हैं जिसको हम कोर हिस्टोन्स पढ़ाते हैं, हिस्टोन टू ए का एक पेयर, हिस्टोन टू बी का दूसरा पेयर, हिस्टोन थ्री का तीसरा पेयर और हिस्टोन फोर का पांचवा प्रोटीन न्यूक्लियोसोम से बाहर होता है जिसको हम H1 हिस्टोन 1 पढ़ाते हैं, जो न्यूक्लियोसोम को लॉक करता है और लिंक हो जाता है लिंकर डीएनए से। यहां पे एक प्रोटीन यहां पे इसको स्टिच करेगा, लॉक करेगा, उसको हम हिस्टोन 1 पढ़ाते हैं, वो अलग होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसोम में डीएनए के जो दो टर्न्स नजर आ रहे हैं इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं और ये जो लिंकर डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन न्यूक्लियोसोम। द आंसर इज 146 बेस पेयर। ये जो न्यूक्लियस के दो टर्न्स, दो क्वाइल्स नजर आ रहे हैं आपको किसके ऊपर, ऑक्टामर ऑफ स्टोन के ऊपर, तो इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए के दो टर्न्स है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 146 बेस पेयर्स। सिमिलरली इसमें भी हमें 146 बेस पेयर्स नजर आएंगे। सो 146 बेस पेयर इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए के दो टर्न्स हैं इसमें हो गए और इसमें भी 146। तो फिर ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं। जैसे द आंसर 60 बेस पेयर्स। 146 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द टू टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड द हिस्टोन एंड 60 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन लिंकर डीएनए। तो ये अगर हम 146 को प्लस करें 60 से तो ये 206 हो जाएंगे, तो 200 हो गए। अब ये 200 बेस पेयर समझिएगा। 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इन टोटल आर एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियोसोम। इससे भी 146 एसोसिएटेड है, इससे भी 146 एसोसिएटेड है, लेकिन जैसे मैंने 200 का कहा, बट द 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इन टोटल आर एसोसिएटेड विथ द न्यूक्लियोसोम। तो टोटल जो एसोसिएशन होती है वो राउंड अबाउट 200 की होती है। कैसे? 146 यहां से हो गए और 60 यहां से हो गए। 146 और 60 ये 206 हो गए, जिसको हमारे टेक्स्ट बुक में 200 बेस पेयर लिखा गया है, तो हम उसी के साथ जाएंगे, 200 ही पढ़ेंगे। तो यहां से यहां तक 200 बेस्ट पेयर्स हैं। एक्चुअल नंबर तो 206 है, तो फिर यहां से दूसरा न्यूक्लियोसोम स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 146, फिर दूसरा लिंकर डीएनए आएगा उसमें 60, तो ये हो गया अपना 200 बेस्ट पेयर्स आर एसोसिएटेड विथ ईच न्यूक्लियोसोम। तो अब सबसे लास्ट में हम इसको रिकॉल करेंगे जो आज हमने पढ़ा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा था कि इसका जो मेन आपको फोकस करना है वो फोल्डिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। मैंने तीन लेवल्स बताए थे, न्यूक्लियोसोम लेवल, क्रोमेटिन लेवल एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम लेवल। सो लेट्स स्टार्ट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो आज हमने पढ़ा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये आपको डबल हेलिकल डीएनए नजर आ रहा है। इस डबल हेलिकल डीएनए को हम पढ़ाते हैं डुप्लेक्स। दिस इज डुप्लेक्स डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए। अब क्या होता है कि ये इंटरफेस में हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिला होता है, क्रोमेटिन बनाता है, ठीक। और जैसे ही सेल प्रोफेज में आता है तो वो कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो पहली लेवल प्रोफेज में स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, हिस्टोन प्रोटीन नजर आ रहे हैं।
तो जो पहली लेवल है उसमें फर्स्ट लेवल में क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, डीएनए कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन्स टू मेक न्यूक्लियोसोम, दिस इज द फर्स्ट लेवल, डीएनए कॉइलिंग स्टार्ट करेगा, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा. व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? टू टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड एट हिस्टोन्स, टू टर्न्स ऑफ डीएनए अराउंड एट हिस्टोन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, दिस इज द फर्स्ट लेवल. This nucleosome is the first level of folding of DNA. तो DNA fold हो रहा है, हम क्रोमोसोम का अल्ट्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो DNA folding start किए, first level में उसने क्या बनाया, उसने nucleosome बनाया. अब आएंगे हम second level पे, जिसको हम पढ़ाते हैं chromatin fiber level. देखें chromatin fiber क्या है. Next, अब आप यहां पे focus करिए, यहां पे क्या होता है कि जब न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं बहुत सारे, तो फिर वो न्यूक्लियोसोम ज्यादा क्वाइलिंग में आएंगे और एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, दे आर प्लेस्ड अपॉन ईच अदर. देखिए ये न्यूक्लियोसोम बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, और आपस में जुड़कर एक फाइबर बना रहे हैं, उस फाइबर को हम पढ़ाते हैं क्रोमेटिन फाइबर. नाउ द न्यूक्लियोसोम्स आर स्टॉक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ गए, एंड they are joined, and they are joined together to form a fiber. यहाँ पे आपको एक fiber नजर आ रहा है, तो ये जो fiber बना रहे हैं, इस fiber को बढ़ाते हैं chromatin fiber. ये था second level. Nucleosome stacked upon each other and joined together to form a fiber known as chromatin fiber. अब ये तीसरी level में आएगा, ये this chromatin fiber produces condensed chromosome. ये हमारा next level होगा. Condensed chromosome. So what will be the next level? The next level will be fully condensed chromosome, जिसको आप पढ़ते हो metaphase chromosome. Metaphase में fully condensed हो जाते हैं और उनकी morphology बहुत ज्यादा clear नजर आती है. तो अब क्या होगा कि ये जो chromatin fiber है, यहां पे आपको super coils नजर आ रहे हैं. Coiling के बाद super coiling होती है. Chromatin fiber एक process में जाएगा, super coiling में जाएगा. किसमें जाएगा? सुपर क्वाइलिंग. ये क्रोमेटिन फाइबर सुपर क्वाइलिंग करेगा और प्रोड्यूस करेगा कंडेंस्ड क्रोमोसोम. नाउ ये सुपर क्वाइलिंग हो रही है क्रोमेटिन फाइबर की. द क्रोमेटिन बिकम्स हाईली क्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड एंड प्रोड्यूसेस अ कंडेंस्ड क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूसेस द कंडेंस्ड क्रोमोसोम. तो देखें जो हमने आज पढ़ा कि क्रोमेटिन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डीएनए. तो ये जो आपका एक न्यूक्लियस में डीएनए था, उसने ऑर्गेनाइज होकर 46 पीसेस बनाए क्रोमोसोम्स के. ये आपको पूरा डीएनए नजर आ रहा है. द डीएनए इन योर सेल इज पैकेज इनटू 46 क्रोमोसोम. द डीएनए इन योर सेल्स इज पैकेज इनटू 46 क्रोमोसोम. Chromatin is the collection of all DNA, and the all DNA is organized into 46 pieces called chromosome. एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 46. The human genome consists of 46 molecules of DNA called chromosome. The total set of genes in an organism, in the cell of an organism, is called genome. Half genome आपको inherit होता है father की तरफ से, half inherit होता है mother की तरफ से. 23 chromosomes comes from father, 23 comes from mother. तो ये जब आपको all DNA नजर आ रहा है, तो ये all DNA, the collection of all DNA is called chromatin. And during process of DNA packaging, the all of your DNA is packaged into 46 molecules of chromosome. So this is all about the ultrastructure of chromosome. Thank you.